मिश्री, मिश्री बेटा क्या हुआ मिश्री को? ये माँ बनने वाली है। कड़वा करेला आ जाओ। मिस्टर इंग्लिश मीडियम सर, वही लड़की है। तुम इतने खुश क्यों? मैं नहीं, कहाँ, नहीं नहीं, यही पेट्रोल पंप वाली है ना जिसने आपको 50 पैसे एक्स्ट्रा दिए थे। 2 रुपए आपके कीमती वक्त की कीमत, इसीलिए मैं दिख रहा है। जा तू डील कर। है? मैं इसको नहीं 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 नहीं, मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, उल्टा लटक जाऊंगा, लेकिन इस लड़की को डील नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नहीं करोगे तो उससे ज्यादा मैं गुस्सा हूं। जाओ। यही है वो मिस्टर कड़वा करेला, अब देखना कैसे मजे लेते हैं। हर बार बलि का बकरा मैं ही बनता हूँ, जाता हूँ। सर, सर को क्यों रोका? पतीले को बुलाओ, हम चमचे से बात नहीं करते। चमचा नहीं हूँ मैं, सर का असिस्टेंट हूँ। इंग्लिश में चमचे को यही बोलते हैं। ओ हेलो प्यारे बच्चों, आप सबने देखा कि कोई इंसान अगर जिंदगी में गलत काम करे, जैसे अगर किसी को ब्लड की जरूरत हो और अगर ब्लड देने से मना करे, तो वो कहीं पे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। जैसे ये मिस्टर कड़वा करेला नहीं रहे। मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? आप हमेशा हमारे आगे क्यों खड़े रहते हो? अब यहाँ कौन से लड्डू लेने आए हो? तुमसे मतलब? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हम समझ गए। किसी क्लाइंट की तरफ से आपने ऐसे वैसे कुछ भी झूठ बोला होगा और उस बेचारे को हार्ट अटैक आ गया होगा और अब आईसीयू में उसके पैसे वसूलने आए हैं, है ना? Are you crazy? क्या चूहे बिल्ली वाली केमिस्ट्री है? कहीं दादी की फीलिंग्स गलत तो नहीं है? बच्चों, इस आदमी के महंगे सूट पर मत जाओ। सूट महंगा है पर आदमी बहुत चीप है। बच्चों, चीप बन जाना लेकिन इनकी तरह फ्री मत होना। ये लड़की इतनी फ्री है कि इसके पास टाइम ही टाइम है लड़ने के लिए। और बच्चों, हमेशा कपड़े अच्छे पहन, इनकी तरह गंदे नहीं। हमारे कपड़े गंदे होने वाले हैं। नए खरीद लेना। सर, सर,
वाह सर वाह, मान गए आपको। क्या हेट केमिस्ट्री पैदा की है, क्या स्ट्रेटजी है सर। बिल्कुल लॉयरों वाला दिमाग लगाया सर आपने। पहले लड़की से मिले, उससे झगड़ा किया, उसके ऊपर जूस फेंका, उसकी इज्जत की पूरी धजिया उड़ा दी सर, ताकि वो जब भी अकेले में बैठे सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचे। वाह सर क्या दिमाग लगाया। अरे भले ही भला भुला सोचे, पर सोचे वो इम्पोर्टेंट है। चौकी डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी करो। ठीक है। किसकी सर? ब्रिज अंकल। ओह माय गॉड, ब्रिज अंकल डिस्चार्ज होने वाले। सॉरी सर, मैं आया। मैडम जी, अब इन्हीं चरणों में मेरा स्वर्ग है मैडम जी। स्वर्गवासी बनने की इतनी जल्दी? अभी तो तुम्हें आश्रमवासी बनना है दुबे। आश्रम? हाँ, आश्रम। स्वामीनाथ नाम का एक अनाथ आश्रम है, तुम वहीं रहोगे। पर मैडम जी, पुलिस ने तो पूरे शहर की हर दीवार पर मेरी फोटो चिपका दी है, मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे? ये कोई हॉस्पिटल है क्या? मैंने दादी से कहा भी था कि किसी बड़ी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दे। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? अच्छा खासा अस्पताल है, इलाज ठीक ठाक किया, मेरा स्टाफ भी अच्छा है। स्टाफ तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। पता नहीं तुम्हें यहाँ ऐसा कौन मिल गया जिसकी वजह से इतना नाराज हो गए तुम। आपको ऐसा कौन मिल गया जिसकी वजह से आप इतने खुश हो? एक लड़की है, बहुत प्यारी, बिल्कुल मेरी अन्नू जैसी। मेरी अन्नू जैसी कोई नहीं। हमने तो एक्स्ट्रा कुर्ती भी नहीं क्या रखी, अब इन कपड़ों में काम कैसे करेंगे? ये पैसे वाले लोग भी कैसे होते हैं? 20 रुपए का एक ग्लास जूस आता है, और वो भी अगर गिर जाए तो बच्चे जोर जोर से दहाड़ दहाड़ कर रोने लगते हैं, और इसे देखो जूस फेंक दिया, वो भी हम पे। तमीज कहीं का। हॉस्पिटल ना होता ना तो मम्मी कसम ऐसा घुमाकर चाटा लगा देना कि 2025 तक कान में घंटी बजती रहती। वो जिस तरह से बार बार तुझसे टकरा रहा है ना, मुझे तो लगता है किस्मत तुम दोनों को मिलाकर ही छोड़ेगी। हम जैसी लड़की ना उस करेले को सपने में भी नहीं मिलेगी। ऐसे सपने मत देखिए जो पूरे ना होगा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे अन्नू को सिर्फ तुम जानते हो। फिलहाल तो मैं ये जानता हूँ कि यहाँ से जाने का वक्त आ गया, चलिए। अब नई कुर्ती लाने का टाइम आ चुका है, इस गंदी कुर्ती कमीने में कैसे काम करेंगे? अच्छा सर, इस बार ना डार्क कलर लेकर आ जाना, ताकि वो फिर से जूस फेंके ना तो निशान दिखाई नहीं दे। इश्क में तेरे फूलों से खिले, मोहब्बत के रस में तेरे संग चलने। की शक्ल वाला नोट हमारे सामने आ जाए, ऐसे पानी फेंक देंगे ना पूरा का पूरा गल ही जाएगा। छोड़ उसे मिश्री, अपनी नई कुर्ती के साथ नए दिन की शुरुआत कर। प्रिया, प्रिया। ये चश्मा पहनकर फिल्मी वैम बनकर कहाँ जा रही है? हम भी कपड़े बदल लेते, तब तक प्रिया भी बाहर आ जाएगी। मिश्री तो नहीं ना यहाँ? स्मगलिंग है क्या तूने? तू इतना घबरा रही है? मिश्री तू चुप कर। ठीक है हम चुप हो जाते, पर तू बोल,
तुझे इतनी जल्दी थी क्या कि तू हमारी तरफ देख के भी नहीं रुकी? तो बड़ी कटरीना कैफ है ना जो तुझे देख के रुकू। कटरीना कैफ? तो तू सिर्फ कटरीना कैफ के लिए रुकेगी? मतलब रेड लाइट, दीवार, सबको तोड़ तोड़ के भागेगी? तू और तेरी बच्चों वाली बातें। हमारी तो सिर्फ बातें बच्चों वाली है। तुझे देखकर तो ऐसे लग रहा है कि तूने किसी 4 साल के बच्चे के कपड़े पहन रखे। मच्छर काटेंगे ना तब अकल आएगी। हाय प्रिया। कमिंग। प्रिया कहाँ को कमिंग? ये लोग कौन है? क्यों तुझे बाबा से शिकायत करनी है मेरी? प्रिया हमें तेरी चिंता होती है। तो तेरा लेक्चर ना बंद कर और जो ये तेरी लंबी सी टांग है ना वो मत अड़ा, समझी? बाय। हाय। काश तू हमारी बातों को जल्दी सुनने समझने लग जाए प्रिया, वरना देर हो जाएगी। अरे देर तो हमें हो रही है। भाग मिश्री। भाभी जी बस कीजिए ना आप। हेडक्वार्टर्स का आदेश है भाई साहब, हम कुछ नहीं कर सकते। माँ आप ही समझाइए भाभी को कि बस करें, अभी इस उम्र में कोई किसी की नजर उतारता है। उम्र की तो आप बात ही मत कीजिए ब्रिज, बच्चों जैसे गाड़ी चलाते हो, जिद करते हो, हमारी एक नहीं सुनते हो। अच्छे से डांटिए माँ जी भाई साहब को। भाई साहब को तो अपनी चिंता नहीं है पर हम सबको तो है ना। वो तो माता रानी की कृपा थी बच गए, वरना आज आज तो माता रानी ने दी और उस लड़की ने। ये वही लड़की है ना जो उस दिन हॉस्पिटल तुम्हें लेके आई? हाँ भाई साहब वही लड़की जो हमेशा मुझे अन्नु की याद दिलाती है। हाँ हम भी गए थे उस लड़की से मिलने पर तब तक उसकी शिफ्ट खत्म हो चुकी थी, वो जा चुकी थी। हॉस्पिटल स्टाफ से तो दूर ही रहिएगा दादी, वहाँ एक से बढ़कर एक इडियट्स काम करते हैं। ऐसे काहे बोल रहे हो अर्जुन? इस लड़के की नाक पर इतना गुस्सा क्यों रहता? अर्जुन मैंने उस लड़की को घर बुलाया है और मैं जानता हूँ तू जब उससे एक बार मिलेगा ना तो तेरा सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। अर्जुन राम भला करे इतना गुस्सा अच्छा नहीं, दिमाग फट जाता है। बचपन की दोस्त तो पहले ही कहीं चली गई, जवानी में अगर गुस्सा चला गया तो करूंगा क्या? बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाल लेता बेटा अर्जुन? लेकिन वो लड़की बिल्कुल अन्नू। सॉरी अंकल, बचपन से ही किसी के लिए रुका हूं और किसी के लिए रुक नहीं सकता। आपको एक एडवाइस दूं, किसी से इतनी उम्मीद मत रखिए। हम आज तक अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े समेट रहे, अगर उम्मीदें भी समेटनी पड़ी तो कहीं हम खुद ना बिखर जाए। मैं चलता हूं। प्रतीक। यस सर। लेट्स गो। भांजी, लेकिन भांजी इसे आश्रम तक कौन पहुंचाएगा? है एक लड़की। क्या वो ये काम कर पाएगी? ऊपर वाले की दया से पहले से ही वो थोड़ी टैलेंटेड है, बाकी हमारी छत्र छाया में थोड़ी और हो जाएगी। प्रिया अभी तक नहीं आई, कहीं हमने उसे उन लड़कों के साथ छोड़कर गलती तो नहीं कर दी?
इतनी देर कहाँ लगा दी तूने? मिश्री, तू मुझे अपना इरिटेट करने लगी है। तू क्या मेरी चाची है, वार्डन है, जो तू मुझसे इतने सवाल करती है कि मैं कहाँ थी, कब आई, कब गई? तू मुझसे इतने क्वेश्चंस क्यों करती है? तुझे कोई हक नहीं है मुझसे इतने सवाल करने का। प्रिया, हम तुझे परेशान करने के लिए फोन नहीं कर रहे थे। हम तुझे फोन इसलिए लगा रहे थे क्योंकि हमें तेरी फिक्र है। और घर से बाहर जाते ही तेरे कपड़े बदलना, तेरा कैरेक्टर बदलना, ये सब अच्छा नहीं है यार। तुझे गंवार बन के जीना है तो तू जी, लेकिन मुझे टाइम के साथ आगे चलना है। बड़े लोगों में उठना बैठना है मेरा, और वो तेरी तरह बहनजी बन के तो कभी नहीं होगा। प्रिया सुन, किसी को इम्प्रेस करने के लिए तुझे अपनी पहचान बदलने की जरूरत नहीं है। तू भी अनाथ है और मैं भी अनाथ हूँ, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। तू तो जमीन पर रहने वाला वो कीड़ा है जो कीचड़ में ही रह जाएगा। गंवार है, गंवारी मरेगी। तू खुद को बाजार में भी जाकर बेचेगी ना, वो तुझे 2 रुपए ना दे। प्रिया, हम कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे, हम बस तुझे वो बनने से रोक रहे जो तू नहीं है। तू उन जैसी नहीं हो, ना कभी बन सकती है। देखा तूने खुद को, तेरा स्टाइल, तेरा लुक, तेरे कपड़े पहनने का तरीका सब फुटपाथ जैसा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? तो मुझे ज्ञान पता क्यों दे रही है कि तू मुझसे जलती है? हम? हाँ, क्योंकि बंद पिंजरे में रहने वाली चिड़िया आसमान में उड़ने वाले पंछियों से जलती है। अरे तू तो वो चिड़िया भी नहीं है, तू तो जमीन पर रहने वाला वो कीड़ा है जो कीचड़ में ही रह जाएगा। गंवार है, गंवारी मरेगी। तू खुद को बाजार में भी जाकर बेचेगी ना, वो तुझे 2 रुपए ना दे। बिल्कुल चुप। मिश्री, इस आश्रम का और हमारा गुरूर है। तूने हमारे गुरूर को गाली दी है आज, ठेस पहुंचाई है हमें तूने। क्या गलत किया है मिश्री ने? यहाँ आश्रम में झूठ बोलकर बाहर लड़कों के साथ घूमना, कॉलेज छोड़कर उनके साथ रंगरलियां मनाना, ये गलत है। वो गलत नहीं है। हाँ, मैं ही गलत हूँ। आप और आपकी लाडली तो बिल्कुल सही है। अब मुझे इस आश्रम में लेकर ही क्यों आए? अगर मैं इतनी ही गलत हूँ तो निकाल दीजिए ना मुझे यहाँ से। क्यों रखा है? नहीं, एक काम कीजिए, चाय में जहर डाल के और पिला दीजिए, सारा किस्सा ही खत्म। गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब मरना और गरीब रहना वो सबसे बड़ा पाप है, और मैं ये पाप अपने सर नहीं लूंगी। हाँ तो बेटा मेहनत करना, अमीर बनना है बेटा तुम मेहनत कर, अपने पैरों पर खड़े होना सीख। दूसरों का सहारा लेकर जो खड़े होते हैं ना, वो एक दिन बहुत बुरी तरह से गिरते हैं बेटा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें उस शराफत पर कीचड़ तो नहीं उछालने दूंगा। सारा ज्ञान, सारी शराफत, सारे रूल, सब कुछ सिर्फ मेरे लिए। आप इस मिश्री को क्यों नहीं कुछ कहते? क्योंकि मिश्री दूसरों के लिए जीती है, वो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती। लेकिन मैं मांगूंगी, क्योंकि दुनिया में सिर्फ अपने लिए जिया जाता है। मिश्री के साथ अगर नीम को रख दिया जाए ना, तो वो भी मीठी हो जाती है। बारहवीं पास मिश्री मुझे क्या सिखाएगी? मेरे पास इससे कई गुना तेज दिमाग है। तो तेरे तेज दिमाग का कभी इस्तेमाल भी तो कर लिया करना। करूंगी, अब वही करूंगी। मेरे कॉलेज के, स्कूल के सारे सर्टिफिकेट जो बाबा के पास पड़े हैं वो दिलवा दो, इसके बाद यहाँ से चली जाऊंगी। तू इतने बरसों तक मिश्री के साथ रहकर मिश्री भी नहीं बन पाई? क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ।
लाइफ इतनी स्टूपिड इमोशनल बातों से नहीं पैसों से चलती है। और ये 12वीं पास मिश्री मुझे क्या सिखाएगी? मेरे पास इससे कई गुना तेज दिमाग है। तो तेरे तेज दिमाग का कभी इस्तेमाल भी तो कर लिया करना। करूंगी, अब वही करूंगी। मेरे कॉलेज के स्कूल के सारे सर्टिफिकेट जो बाबा के पास पड़े वो दिलवा दो, मेरा पासपोर्ट सब कुछ। इसके बाद यहाँ से चली जाऊंगी, फिर बताऊंगी कि दिमाग से पैसा कैसे कमाया जाता है। प्रिया, बाबा ने तुझे जिंदगी दी है, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया उन्होंने, तुझे पढ़ाया लिखाया, और तू उन्हें छोड़कर जाना चाहती है? जो भी मेरी पढ़ाई पर खर्चा हुआ है ना, वो सारा विद इंटरेस्ट लौटा दूंगी। तू बाबा के प्यार की कीमत लगाना चाहती है प्रिया? ठीक है, लगा। तू जब बीमार होती थी ना, तब बाबा रात रात भर जाकर तेरे सिरहाने बैठते थे। उन रातों का दाम बता दूं, तेरे लिए मन्नत मांगूं। बाबा कड़ी धूप में पैदल जाते थे हनुमान मंदिर तक। उस वक्त जो पांव में छाले पड़ते थे ना, उसका दाम लगा प्रिया। बाबा के आंसुओं का, उनके दुआओं का, उनके प्यार का क्या दाम है? जस्ट शट अप। तेरी इमोशनल बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जगह से नफरत है, और एक दिन मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हाँ तो जाना, जब ढंग की नौकरी मिल जाएगी ना तब चली जाना। पर जब तक तू यहाँ रहेगी, तब तक तू बाबा की और बाबा के संस्कारों की इज्जत करेगी। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है। आज बाबा ने मुझे थप्पड़ मारा तेरी वजह से, बाबा मुझसे नफरत करते तेरी वजह से। पर थैंक यू कि आज तेरी वजह से मुझे समझ आ गया कि मैं अनाथ थी, मैं अनाथ हूँ, और मैं अनाथ ही रहूंगी। प्रिया, किससे लड़ रही हो? I'm right here. तो आपसे लड़े? और करो भी क्या? ये तो तुम्हारी हॉबी है, इसलिए पीछा करते करते तुम मेरे घर तक पहुंच गए। हम पीछा करने वालों में से नहीं, आगे बढ़ने वालों में से। Oh, great. बढ़ पड़ो। मम्मी! ऊपर किससे लड़ रही हो? I'm right here. तो आपसे लड़े? और करो भी क्या? ये तो तुम्हारी हॉबी है, इसलिए पीछा करते करते तुम मेरे घर तक पहुंच गए। हम पीछा करने वालों में से नहीं, आगे बढ़ने वालों में से। ओह ग्रेट, बढ़ पड़ो।